हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक छोटी सी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अब एक एंगल से इसे देखा जाए तो ये छोटी सी अपडेट है और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट भी है। दरअसल दोस्तों, इंफाला एयरपोर्ट पे अचानक यूएफओ जैसी यानी अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखकर एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी इंडियन एयरफोर्स को दी। इंडियन एयरफोर्स ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए अपने 2 राफेल फाइटर जेट को तुरंत रवाना कर दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया भर में कई बार इस तरीके के UFO देखे जाने का दावा किया गया है लोगों द्वारा। साथ ही इस तरीके के अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि UFO को लेकर लोगों के पास अन्य तरीके की कई सारी जानकारियां हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल में जब इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यानी कि UFO को देखे जाने का दावा किया गया, तभी से इंफाल एयरपोर्ट की एयरपोर्ट अथॉरिटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई और कई सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटों को 2 घंटे तक करीब डिले कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी ज्यादा चौकस हो गई हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को सुरक्षा व्यवस्था में एक सेंध के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, भले ही सुरक्षा कारणों की वजह से इस तरीके के डिसीजन से यात्रियों को थोड़ी बहुत असुविधा का सामना तो करना पड़ा। I have to move to Chandigarh today itself, but the flight had been delayed or something, rescheduled or something sort of. So we are not able to go today. So they gave us the rescheduled ticket for tomorrow. Then we'll be moving tomorrow. हालांकि दोस्तों, ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए नजदीकी इंडियन एयरफोर्स बेस से 2 राफेल फाइटर जेटों को फुल्ली लोड सेंसर्स के साथ संदिग्ध क्षेत्र में काफी ज्यादा कम ऊंचाई पे उड़ाया गया, जिससे इस तरीके की गतिविधि का अच्छी तरीके से आकलन किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेटों को वहां पे इस तरीके की संदिग्ध अवस्था में कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो भी छोटे बड़े अपडेट निकल कर सामने आएंगे, आप सभी मित्रगणों तक मैं सरल शब्दों में जरूर पहुंचा दूंगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आप के क्या विचार है कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या ये सच में कोई UFO था या फिर ये चाइना की कोई साजिश थी? क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया यानी कि मणिपुर रीजन वाला, वो पूरा चाइना से टच में है और चाइना इस तरीके की शैतानियां करते ही रहता है। यही कारण है दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव कर दिए हैं और पूरे रीजन में अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी इस घटनाक्रम से रिलेटेड कुछ भी छोटी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है तो मैं आप सभी मित्रगणों तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा।